हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हम लोग MCQ भी यहाँ पे करेंगे और जो पढ़ने के बाद जो पूछा गया सवाल है ना, पूछा गया सवाल है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, निर्वाचन आयोग हो जाएगा, है ना। निर्वाचन आयोग से हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भी आपसे पूछा जाता है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का जो संबंध है आपसे पूछा जाता है, किसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध यहाँ पे देखिए, चुनाव व्यवस्था में आमूल चूल जो सुधार थी उसी से इसका संबंध था, है ना। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का जो संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से हो जाता है, है ना। उसके बाद देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति पूछा जा सकता है आपसे, भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। आपके भारत का जो निर्वाचन पद्धति है पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा देश है जिसके अनुरूप निर्वाचन पद्धति है, तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा, है ना, ये आपका ब्रिटेन हो जाता है, ब्रिटेन के अनुरूप है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। आपके BPSC का एग्जाम हो या बहुत सारे कंपटीशन है, PCS देखिए उत्तर प्रदेश का, राजस्थान, झारखंड, बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर यह सवाल पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, तो अनुच्छेद आपका 324 हो जाता है, है ना। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 324 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कहता है कि निर्वाचन आयोग, है ना, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण जो है वो समान है। होता है कि इन सारे कार्यालयों में कौन सा लक्षण है जो समान है, वो हो जाएगा वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना। ये क्या है, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ये भी प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है। पूछा जाता है कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, है ना, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह भी सवाल BPSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हो जाएगा, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हो जाता है। संविधान, अगला देखते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था, तो ये समय था 1989 में किया गया, है ना, 1989 में किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की विभिन्न, है ना, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। कोई पार्टी है, उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहें या राष्ट्रीय पार्टी कहें, यह अधिकार किसके पास है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है, है ना, चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी पार्टी को पैमाना होता है उसी के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं या क्षेत्रीय पार्टी या राज्य की पार्टी कहते हैं। मध्यावधि जो चुनाव है कब कराया जाता है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, मध्यावधि जो चुनाव है कब कराया जाता है, तो देखिए, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तब यहाँ पे मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था, है ना, यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था, देश हमारा 1947 में आज़ाद तो हुआ। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, है ना, जिन्होंने पद को जबरदस्ती ही क्या किया, हड़प लिया,
चुनाव तो बाद में होता है, चुनाव बाद में हुआ कब, 1952 में, है ना। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, भारत में पहली बार, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेबी आई है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार है ब्रिटिश हुकूमत के समय में 1926 में प्राप्त होता है, है ना, 1926 में प्राप्त होता है। और 1926 में महिलाओं को मत देने का यानी कि मताधिकार का अधिकार इनको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में, है ना, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी हो जाती है, है ना, कितनी आयु हो जाती है, तो ये आपका 18 वर्ष हो जाएगा, है ना, 18 वर्ष हो जाएगा। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले मतदाता की जो उम्र थी 21 वर्ष रखा गया था, बाद में 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 21 यानी कि 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, और यह किया गया 1989 ईस्वी में किया गया, है ना, 1989 ईस्वी में किया गया, और यह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया। देखिए भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित जो आयु है 18 वर्ष है, 18 वर्ष के बाद मतदान देने का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। तो देखिए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले इसका समाप्ति कर दिया जाता है, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कहता है कि किसी निर्वाचन के दौरान, है ना, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, है ना, कहता है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु होने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा 7 दिन, 7 दिन हो जाएगा, है ना, 7 दिनों के अंदर में दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो ये 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, जैसे राष्ट्रपति को कितना है, तो 5 लाख रुपए हो जाता है, है ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह जो वेतन मिलता है 2.5 लाख हो जाएगा, और अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह, है ना, 2,25,000 रुपया वेतन मिलता है, 2,25,000 रुपये का वेतन मिलता है। चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, है ना, या तो 6 वर्ष होगी, नहीं तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त हुआ है, है ना, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब ये पदावधि समाप्त हो जाती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त के साथ, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ऐसे सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए, दोनों जो सवाल है पूछा गया है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो ये भी 6 वर्ष होगा, लेकिन उम्र 62 वर्ष की आयु हो जाएगी, इनमें से जो पहले प्राप्त हो जाए, है ना। और दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश किया था, तो ये देखिए लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि की इसने सिफारिश की है। चलिए कुछ MCQ हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी स्टडी किया, जो भी पढ़ाई किया, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, हम लोगों ने अभी देखा, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है, आंसर क्या है, सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। साथ ही बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत का संविधान, है ना, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, और यह बहुत भी आई है, मैंने कहा था, देखिए मध्य प्रदेश के PC से पूछा और UP के PC से पूछा हुआ है, और BPC में यह सवाल पूछा हुआ है। यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हो जाता है, और इसी 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे
नेक्स्ट हो जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या हो जाती है ना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो हम लोगों ने बात किया था, जो पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूर्ण हो जाए, दोनों में पहले जो पूर्ण हो जाए वही होगा। इसका मतलब क्या है? आंसर सी हो जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अगर अन्य निर्वाचन की बात होता है ना, तो यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा है ना, और 62 वर्ष हो जाता है, 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये देखिए, उत्तराखंड के पीसीएस में 2012 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2012 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितना? 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? 63वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, 1989 में। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, है ना। 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में इसको किया गया, और इस समय है ना 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान देने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। और ये भी सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में भी पूछा है 2010 में, और पीसीएस मेंस में 2007 में भी पूछा है, और उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में भी यह सवाल पूछा गया है। यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, है ना। 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, यह सवाल पूछा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक और भी पूछा गया है कि निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, है ना। तो संपादित स्थानीय निकायों के द्वारा नहीं किया जाता, स्थानीय निकाय है, इसका संपादन नहीं किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। बाकी राष्ट्रपति का भी चुनाव है, लोकसभा और राज्यसभा सबका चुनाव करवाया जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और देखिए, उत्तराखंड में पूछा हुआ है, उत्तराखंड के यूडी एलएडीसी में ये मेंस में सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट भी है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, है ना, अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति, है ना। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो निर्वाचन सुधारों से हो जाता है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो निर्वाचन सुधारों से हो जाएगा। देखिए कहता है यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है कौन सा? तो उम्मीदवारों का चयन करना इसका कार्य नहीं है, वर्क इसका नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को हो जाता है ना, राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा स्तर तथा कार्यकाल निश्चित करता है कौन? करता है, तीनवें विशेष प्रावधान है संविधान में ही, इसमें उपबंध किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लोकसभा, है ना, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त किया जाता है? तो जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ, है ना, ईवीएम का? तो यहाँ पे देखिए, ये कहता है, है ना, ये हो जाएगा आपका 1997 से इसका, है ना, प्रारंभ हो जाता है। तो ये चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग से जितने भी प्रश्न बने, हम लोगों ने इसको देखा, इसी तरीके से जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितने भी टॉपिक है, हम लोग साथ में एमसीक्यू जो पूछा गया सवाल है, हम लोग उसको भी करते चलेंगे, है ना। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये लग जाएगा, है ना, और रिवीजन करने में भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सटीक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों।